फैज़ान, जैसे कि हमने देखा है लास्ट टाइम जब हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने मुनव्वर के बारे में हमें सपोर्ट किया, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है बालिका जो आई है उनके तरफ से भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है, तो उनको बहुत डीमोटिवेट किया गया या बहुत चिल्लाया गया बिग बॉस में, तो अभी उनका गेम धीरे धीरे कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है ऑडियंस को भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर, तो कैसा लग रहा है जी? मैंने कहा था आपसे कि मुनव्वर ही बिग बॉस 17 का विनर है और मुनव्वर को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे शो में भी लोग लगे हुए हैं, जो कंटेस्टेंट हैं वो तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि उनको मालूम है कि मुनव्वर फारूकी एक ऐसी कड़ी है, अगर मुनव्वर बाहर होगा तो उनका जितना ईजी हो जाएगा, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऊपर वाला उसका साथ दे रहा है, वो जेन्युइन पर्सनैलिटी है। और आयशा ने भी काफ़ी कोशिश करी फिर भी उसने सरेंडर कर दिया, उसको पता लग गया कि नहीं मुनव्वर फारूकी जेन्युइन आदमी है। सो हाँ, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर भी कहता हूँ कि मुनव्वर फारूकी ही जीतना चाहिए और मुझे कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं दिख रहा बिग बॉस 17 में विनर के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुनव्वर के साथ किसी का बॉन्ड नहीं बना या उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, जैसे कि अभी हालांकि इविक टू के आए अनुराग जी, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें कही है मुनव्वर के बारे में, तो उस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहिए? अनुराग का तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अनुराग जो यूके राइडर अपने आप को कहता है वो बिग बॉस 17 में चला कैसे गया है, इतना नल्ला आदमी है वो और ऊपर से अंदर जाके कह रहा है मुनव्वर फारूकी से कि मुनव्वर ये ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा ही, आप देखिए कैसे बाहर हुआ एडिक्ट हुआ। तो इस जैसे लोगों का बिग बॉस में जाना ही बहुत बड़ी बात है यूके राइडर जैसे लोगों का, फिर भी वो जाके ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं हम विनर थे और हमें हटा दिया, तो बिल्कुल गलत है। उसको अनुराग की कास्टिंग कैसे हुई मुझे पता नहीं है, अनुराग कैसे उसके घर में गए, और बहुत बड़ी चीज़ है अनुराग को लेकर, मैं आपको आगे बता सकता हूँ और बताऊँगा आपको मैं। लेकिन जब उनसे अनुराग जी से जब हमारी बातचीत हुई है तो कलर्स के जो भी टीम है उनके तरफ से जो भी उनके पास कॉल गया और उनके जो फैन फॉलोइंग है इतने सारे जो ब्रो सेना है उन्हें जो सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि देखिए क्या होता है कि जैसे यूट्यूबर्स हैं जो पहले भी यूट्यूबर्स आए तो इनकी खुद की इतनी बड़ी गैंग होती है, उनके इतने बड़े सपोर्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप 10 लोगों से बोलेंगे तो वो लोग वीडियो बना देंगे आपके सपोर्ट में। सो एक्चुअली ये होता है अनुराग एक मैच्योर इंसान नहीं है जितना मैं आपको बताऊं, और मैंने काफ़ी स्टडी करा है, आपको अगर पता करना है तो आप पता कर सकते हैं, अनुराग जो यूके राइडर कहता है वो एक्चुअली मैच्योर नहीं है, वो 8 मंथ डिलीवरी वाला बॉय है, यू नो मतलब 8 मंथ में उसकी डिलीवरी हो गई थी, वो मैच्योर बंदा नहीं है, अनमैच्योर है, उसको बात करना नहीं आती, एबनॉर्मल भी है थोड़ा वो, उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले, मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे उसको पोलियो का भी इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर काफ़ी, आप उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे अनुराग का तो बहुत पतला हाथ है, इतना पतला है, और उसका वेट जो है 42-43 kg ओनली, तो 40 किलो के आसपास खाली उसका वेट है, अगर वो ट्रॉफी जीतता भी तो ट्रॉफी के साथ ही गिर जाता। सो मैं वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, मेंटली भी अनुराग बहुत वीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक पोलियो का मरीज बीमार है, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हाँ वो गलत इंसान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मुनव्वर पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है जिसके लिए भी उसने किया है, उसके बारे में आप पता करेंगे, वो मैच्योर इंसान नहीं है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए, वो मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है अनुराग जो यूके राइडर अपने आप को कहता है, पता नहीं उसने ये नाम क्यों रख लिया अपने आप का। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है और वो जो बराबर जो तोहमत लगा रहा है मुनव्वर पे, मुनव्वर की एब्सेंस में दुनिया को मालूम है मुनव्वर बिग बॉस के शो में है और बिग बॉस शो जीत के ही वापस आएगा, तो अनुराग उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसके एब्सेंस में इंटरव्यूज दे रहा है और उसको बुरा भला कह रहा है, उसको मालूम नहीं है कि फैज़ान अंसारी बाहर है जो उसका जवाब देने के लिए खड़ा है, कल को फिर अनुराग कुछ बोलेगा फिर मैं उसका जवाब दूंगा, और अनुराग में हिम्मत है तो मेरे सामने आके खड़ा हो, मैं सामने फेस टू फेस उसको जवाब दूंगा, ये मैं अनुराग को कह रहा हूँ, अभी वो बाहर है मैं भी बाहर हूँ, मैं भी बॉम्बे में हूँ, जहाँ बोलेगा मैं आऊँगा, सामने सामने मुझसे बात करें। सो मैं पहले भी कहा था ये भी कह रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी विनर है और इस बार जो बिग बॉस 17 की ट्रॉफी है, ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएगी, ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएगी इस बार। लेकिन जैसे कि हमने देखा अनुराग का जो इविक्शन हुआ है वो पब्लिक वोट पे नहीं हुआ है, वो घर वालों ने उन्होंने इविक्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये अनफेयर था क्योंकि कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस घर में जब जाता है तो ऑडियंस के उम्मीद से जाता है कि वो जब वोट करेंगे तो उसके बेस पे वो बाहर जाएंगे, और मुनव्वर को लेकर उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई जो करेंट गर्लफ्रेंड है सबका नाम उठा के जिया के साथ जो माइंड गेम्स खेला है एंड ऑफ द डे ये बिग बॉस कलर्स और एंडमॉल के मेकर्स का डिसीजन है और ऑडियंस का डिसीजन है, 99% तो ऑडियंस सपोर्ट करती है, वोटिंग करती है, तो मुझे ये भी गेम देख के लगा कि हाँ अनुराग कहीं ना कहीं मुनव्वर से बहुत पर्सनल हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी और सब लोग ने यूनिटी दिखाई और उसको अनुराग को बाहर किया, तो जो कुछ हो रहा है सबके सामने सबको पता लग रहा है जेन्युइन कौन है कौन नहीं है, अगर मुनव्वर फारूकी अच्छा है
बेस्ट है, इसीलिए इतने बड़े शो में अभी तक टिका है और आगे टिका रहेगा। सो ये क्लियर बात है कि अगर कोई शो में आगे तक खेल रहा है मतलब वो बेस्ट परफॉर्मर है, उसकी वजह से टीआरपी आ रही है, उसकी वजह से दुनिया ये शो देख रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपना सारे ऑडियंस को? यही कहना चाहता हूँ कि यस यस, मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ, लास्ट तक शो देखें, मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करें और ट्रॉफी डोंगरी ही आना चाहिए। आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है, मेरी तहे दिल से गुजारिश है, पूरी दुनिया के ऑडियंस से जो मुझे भी चाहने वाले हैं, मुनव्वर को चाहने वाले हैं, कि ट्रॉफी तो इस बार डोंगरी ही आएगी, डोंगरी ही आना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ, इंशाल्लाह ऐसा होगा, तो बहुत बड़ा जश्न करेंगे बॉम्बे में, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, सबके सामने करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।